सर्वेभ्यो नमो नमः सर्वेषां हार्दिकं स्वागतम्। मैं नरेंद्र कुमार पित्रिया, सहायक आचार्य संस्कृत सेठ मधुरादास बिन्हानी राजकीय महाविद्यालय नाथद्वारा। आज हम द्वितीय वर्ष संस्कृत के प्रथम प्रश्न पत्र नाटक छंद एवं अलंकार के अंतर्गत महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के प्रथम अंक के 20, 21 और 22 श्लोक का आज हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम 20 श्लोक को देखते हैं। महाराज दूषण पुष्पवाटिका के अंतर्गत शकुंतला प्रियमंदा और अनुसैया के वार्तालाप को सुन रहे होते हैं, तभी उसी समय शकुंतला के पास में एक भ्रमर उसके चारों तरफ मंडराने लगता है। इस दृश्य को देखकर राजा दुष्यंत भ्रमर की चेष्टाओं का उल्लेख करते हैं। उन्हीं चेष्टाओं का उल्लेख महाकवि कालिदास ने उक्त श्लोक में किया है। मैं श्लोक का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। भ्रमर की चेष्टाओं का उल्लेखित कर महाराज दूषण क्या विचार कर रहे हैं, शिखरणी छंद में निपत श्लोक है। शिखरणी छंद में 17 वर्ण होते हैं तथा इसमें 6 और 11 वर्णों पर यति होती है, जिसका लक्षण है रसे रुद्रे छिना यमन सबला शिखरणी। रसे रुद्रेश्चिना यमन सबलाग शिखरणी चला पांगा दृष्टि अस्पर्शसी बहुसो वेपतुमति रहस्य आख्याईव स्वनसी मृदु कृणाति कचर करो व्याधि अनुवतया पिबसिरति सर्वशम अधरम वयम तत्व अन्वेषान मधुकर हतास्त्वम खलु कृति। दुष्यंत क्या भावों को अभिव्यक्त कर रहे हैं? चला पांगाम दृष्टिम अस्पर्शसि बहुसो वे पथुमति रहस्य आख्याईव स्वनसि मृदु कृणान्तिकाच्चर करो व्याधु अन्वतया पिबसिरति सर्वसम अधरम वयम तत्व अन्वेषान मधुकर हतास्त्वम खलु कृति। चला पांगाम दृष्टिम अस्पर्श बहुशो वे पथुमतिम रहस्य आख्याय स्वनसि मधु कृणाति कचर करो व्याधु अन्वतया पिबसिरति सर्वसम अधरम वयम तत्व अन्वेषान मधुकर हतास्त्वम खलु कृति। श्लोक का अन्वय इस तरह से होगा, हे मधुकर त्वम चल पांगाम वे पथुमति दृष्टिम बहुसह स्पर्शसि रहस्य आख्या इव कर्णान अंतिक चरह सन मृदु स्वनसि करो व्याधु अन्वतया रति सरसम अधरम पिबसि वयम तत्व अन्वेषा हताह तत्त्वं खलु कृति। भ्रमर को संबोधित कर महाराज दुष्यंत क्या विचार कर रहे हैं? हे मधुकर यानी हे भ्रमर त्वम यानी तुम चल पांगाम वे पथु शब्द जो व्यभिचारी भाव है, वे पथु कापना है ना, वे पथु मति यानी हे भ्रमर तुम चला पांगाम यानी चंचल जो नेत्रों वाली है वो शकुंतला है, वो जो चंचल नेत्रों वाली शकुंतला और वे पथुमति यानी भयवश यानी तुम से भयवश कांपती हुई उस शकुंतला की दृष्टि बहुत से स्पर्श थी यानी उसकी शकुंतला की दृष्टि का तुम बार बार स्पर्श करते हो, बार बार उसके पास में जा रहे हो। क्या कह रहे हैं कि चला पांघाम वे पथुमति में दृष्टि बहुत से स्पर्श थी, हे भ्रमर तुम चला पांगाम यानी चंचल नेत्रों वाली वे पथुमति यानी तुम्हारे भय से कांपती हुई
उस शकुंतला का दृष्टि बहुत स्पर्श थी, यानी शकुंतला की दृष्टि का बार बार स्पर्श करते हो। फिर कह रहे रहस्य आख्याति हो, रहस्य यानी गोपनीय बात, आख्यात यानी वर्णन करना है ना, किसी गोपनीय घटना का वर्णन करना, यानी गोपनीय बात कहने वाले किसी व्यक्ति के समान। इव कर्ण अंतिक चरण, यानी कान के सीमित घूमने वाले तुम मृदु स्वनसी, यानी मधुर क्या कर रहे हो, मधुर स्वनसी यानी मधुर स्वनसी यानी गुंजन, यानी तुम मधुर उसमें क्या करते हो, गुंजन कर रहे हो, गुंजन करते हो। फिर करो व्याधि अनवतया, करो यानी हाथ, कर यानी जो दोनों हाथ है, करो व्याधि अनवतया रति सर्वस्वम अधुरम विवसी, यानी तुम्हें हटाने के लिए अपनी रक्षा है, तू करो व्याधि अनवतया अपने हाथों को इधर उधर हिलाती हुई उस शकुंतला का तुम स्पर्श कर रहे हो। वयम तत्व अन्वेषात, यानी हम तो तत्व अन्वेषात यानी हम तो तात्विक बातों का पता लगाने में ही हता यानी मारे गए, तुम खलु कृति यानी तुम सफल मनोरथ सिद्ध हुए हो। इस तरह से महाराज दुष्यंत अपने भावों को अभिव्यक्त कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं, एक साथ अर्थ को देखिए, हे मधुकर हे भ्रमर चल पांगाम, यानी तुम चंचल नेत्रों वाली बेपथुमति और भयवश कांपती हुई दृष्टि बहुत सा स्पर्श है, तुम शकुंतला की दृष्टि का तुम बार बार स्पर्श करते हो। और रहस्य आख्याम एव कर्ण अंतिक चर, और गोपनीय बात कहने वाले उस व्यक्ति के समान कर्ण अंतिक चर कान के समीप घूमने वाले तुम उसके मृदु स्वर से यानी तुम मधुर गुंजन करते हो। और करो व्याति अनवतया रति सर्वस्वम अधर्म विवसी, और अपनी रक्षा हेतु हाथों को हिलाती हुई शकुंतला का तुम स्पर्श कर रहे हो। वयम तत्व अन्वेषात हताह त्वम खलु कृति, त्वयम वयम तत्व अन्वेषण यानी हम तो तात्विक बातों का पता लगाने में ही हता यानी मारे गए, और तुम तो मखलु कृति तो सपोर्ट मनोरथ सिद्ध हुए, यानी शकुंतला और सखियों का जो वार्तालाप चल रहा होता है तो शकुंतला के मुख के पास में एक भ्रमर घूमता हुआ मंडराने लगता है। तब उस भ्रमर की चेष्टा को उल्लेखित कर महाराज दुष्यंत मन में विचार कर रहे हैं कि हे भ्रमर तुम चंचल नेत्रों वाली एवं तुमसे भय से कांपती हुई शकुंतला की दृष्टि का तुम बार बार स्पर्श कर रहे हो। शकुंतला स्वयं से तुम्हारे रक्षा करने के लिए तुमसे बचाने तू तुम्हारी तरफ देख रही हो, तुम उसकी तरफ देख रहे हो, इस प्रकार तुम शकुंतला से दर्शन के सुख को भी प्राप्त कर रहे हो। और तुम भ्रमर उस शकुंतला के निकट जाकर उसके कानों में मधुर गुंजन कर रहे हो, इसी प्रकार शकुंतला के कानों के पास जाकर तुम अपने मधुर गुंजन को उल्लेखित कर रहे हो। इस प्रकार से शकुंतला के साथ तुम मधुर भाषण आदि का भी सुख प्राप्त कर रहे हो, और शकुंतला अपनी रक्षा के लिए तुम्हें इधर उधर हिला रही है, तो इस प्रकार से तुम उसका स्पर्श रूपी सुख को प्राप्त कर रहे हो, इस प्रकार तुम शकुंतला के पास में घुमा रहे हो। और हम तो तात्विक बातों का उल्लेख करने भी मारे गए, और तुम निश्चित भाग्यवान हो जो तुम सफल मनोरथ सिद्ध हुए हो। इस प्रकार महाराज दुष्यंत उक्त श्लोक में भ्रमर को अपना प्रतिद्वंदी समझ रहे हैं। इस पद के द्वारा महाराज दुष्यंत की राजसी परिवार के अनुकर उनकी शिष्ट आचरणशीलता एवं कुल प्रतिष्ठता का भी उल्लेख किया गया है। शिखरणी छंद की छटा इस श्लोक में विद्यमान है, साथ में इसमें समासोक्ति अलंकार विद्यमान है। एक बार पुनः श्लोक का वाचन कर इसके अर्थ को देखते हैं, क्या कहते हैं महाराज दुष्यंत। चला पांगाम दृष्टिम अस्पशी बहुशो वे पथुमति रहस्य आचायव स्वनसी मृदु कर्णांतिक चर करो व्याधि अन्वतया विवसी रति शरशम अधरम वयम तत्व अन्वेषाम मधुकर हतास्त्वम खलु कृति। हे मधुकर यानी हे भ्रमर तुम चल पांगाम वे पथुम दृष्टि बहु सस्पर्श यानी तुम चल पांगामी चंचल नेत्रों वाली तथा वे पथुमति यानी भयवश तुमसे कांपती हुई शकुंतला की दृष्टि यानी दृष्टि का बहु सस्पर्श यानी तुम बार बार स्पर्श करते हो। रश्य आख्या एवं कर्ण अंतिक चर और रश्य रूपी बात को करने के समान कर्ण अंतिक चर यानी तुम उसके कानों के पास में मृदु स्वर से मधु गुंजन करते हो। करो व्याधि अनवतया रति सर्वस्वम करो यानी अपने हाथों को हिलाती हुई उस शकुंतला का स्पर्श को प्राप्त कर रहे हो। और वयम तत्व अन्वेषात अतः यानी हम तो तात्विक बातों का पता लगाने में मारे गए और तुम सफल मनोरथ सिद्ध हुए। नमो नमः। आज हम द्वितीय वर्ष संस्कृत के प्रथम प्रश्न पत्र
नाटक छंद एवं अलंकार के अंतर्गत महाकवि कालिदास के द्वारा विरचित अभिज्ञान समतलम नाटक के प्रथम अंक के 21वें श्लोक को देखेंगे। अब शकुंतला किसी भ्रमर के पास में आ जाने से उसे बाधा से पीड़ित हो जाती है, उसे भयवश कांपने लगती है। अतः वह उस भ्रमर से अपनी सहायता हेतु अपनी दोनों सखियां प्रेमंदा और अनुसया से अनुनय विनय करने लगती है। तब शकुंतला के वचनों को सुनकर उचित अवसर जानकर राजा दुष्यंत शीघ्रतापूर्वक उसके पास में पहुंचकर क्या कहता है, उन्हीं भावों का उल्लेख उक्त श्लोक में किया गया है। मैं श्लोक का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम श्लोक को देखेंगे। राजा छंद में निबद्ध श्लोक है। महाकवि कालिदास ने दुष्यंत के भावों को उल्लेखित कर क्या कह रहे हैं। कह पूर्वे वसुमतिम शाश्वती शाश्वतरी द्रुअवितिनाम कह पूर्वे वसुमतिम शाश्वती शास्त्री द्रुअवितिनाम अयम आचर अत्य अभिनयम मुग्धासु तपस्वी कन्यासु। क्या विचार कर रहे हैं। कह पौर्वे वसुमतिम शास्त्री दुरअतिनाना कह पौर्वे वसुमतिम शास्त्री शास्त्री द्रुअवितिना अयम आचर अत्य अभिनयम मुक्तासु तपस्विषु कन्यासु। दुष्यंत अपने भावों को उल्लेखित कर शकुंतला के समक्ष पहुंच जाते हैं उचित अवसर को जानकर, और अब वे अपने राजसी कुल परंपरा को उल्लेखित कर इसमें बता रहे हैं। कह पूर्वे वसुमति शास्ति शास्त्री द्रुअतिना कह पूर्वे वसुमति शास्ति शास्त्री द्रुअवितिना अयम आचर अत्य अभिनयम मुक्तासु तपस्विषु कन्यासु। श्लोक का अन्वय इस तरह से होगा। ध्रुवीनितानां शासितरी पौर्वेह वसुतिं शासति कः अयं मुक्तासु तपस्वी कन्यासु अभिनयम् आचरयति। क्या कह रहा है। ध्रुवीतीनां का अर्थ होता है दुष्टजन, यानी दुष्टजनों को मारने वाले। ध्रुवीतीनां यानी दुष्टजनों के जो शासक है, यानी दुष्टों का जो संहार करने वाले हैं। दुष्टम विनीतम येषां ते तेषां यानी जो दुर्विनीत यानी जो अशिष्ट आचरण करने वाले ऐसे दुष्टजनों के शासक शासितरी यानी शासक और पौर्वे यानी पुरु वंश में वसुमतिम यानी पुरु वंश में उत्पन्न यानी दुष्यंत का जो जन्म है वह पुरु वंश में उत्पन्न हुआ है। दुष्यंत के वंश का नाम पुरु वंश है, तो कह रहे हैं कि पुरु वंश उत्पन्न राजा दुष्यंत के वसुमतिम शासति वसु वसु का अर्थ होता है पृथ्वी, पृथ्वी पर शासन करने वाला होने पर क अयम यानी यह कौन है जो मुक्तासु यानी इन भोली भाली तपस्वी कन्यासु ने तपस्वी कन्याओं पर अविनियम आचरित यानी अशिष्ट आचरण कर रहा है। एक साथ अटको देखिए कि द्रुविति नाम शासितरी पौर्वे वसुतिम शासति यानी द्रुविति नाम यानी दुष्टजनों के शासक और पौर्वे वसुतिम यानी पुरु वंश उत्पन्न राजा दुष्यंत के वसुतिम यानी पृथ्वी पर शासन करने वाला होने पर यह कौन है जो क अयम मुक्तासु यह कौन है जो इन अयम मुक्तासु यानी जो इन भोली भाली कन्याओं पर तपस्वी कन्यासु यानी तपस्वी कन्याओं पर अशिष्ट आचरण कर रहा अभिनय आचरण यानी अशिष्ट आचरण करने वाला है। यानी शकुंतला भ्रमर बाधा से पीड़ित हो जाती है, तब दुष्यंत अपने भावों को लिखित कर उसके पास में जाकर क्या कह रहा है कि दुष्ट जनों को दंडित करने वाले तथा सज्जनों की रक्षा के लिए निरंतर तत्पर रहने वाले पुरु वंश में उत्पन्न इस दुष्यंत के इस पृथ्वी पर शासन करने वाला होने पर भी इसे दयालु राजा दुष्यंत के विद्यमान होने पर यह कौन दुष्ट व्यक्ति है जो बोली वाली सरल स्वभाव वाली तपस्वी कन्या पर अशिष्ट आचरण कर रहा है।
तात्पर्य यह है कि इस पवित्र आश्रम में यह कौन दुष्ट व्यक्ति का आगमन हो गया है जो दुष्टों को दंडित करने वाले महाराजा दुष्यंत के अनुशासन का भी जिसको भय नहीं रहा, और कौन ऐसा व्यक्ति विशेष है जो व्यक्ति अपराध कर रहा है भोली भाली तपस्वी कन्याओं पर। अतः उस दुष्ट को कठोर शासक राजा दुष्यंत का श्रमण कर अब इन्हें से विरक्त हो जाना चाहिए, अन्यथा कठोर दंड के द्वारा उसे दंडित किया जाएगा। क्योंकि महाराज दुष्यंत का जन्म कुरुवंश में हुआ, कुरुवंश की जो राजसी परंपरा है उसके अनुसार वह सज्जनों की हमेशा रक्षा के लिए तत्पर और दुष्ट जनों के संहार के लिए उन्हीं कार्यों का उल्लेख उनके वंश परंपरा का एक प्रमुख ध्येय वाक्य है, दुष्टों का विनाश और सज्जनों की रक्षा। आजा चंद में निपत श्लोक के साथ में अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार का भी इस श्लोक में योग किया गया है। इस प्रकार से महाकवि कालिदास ने यहाँ पर राजा दुष्यंत के बड़े कौशल से राजा दुष्यंत ने अपने प्रभावशीलता और अपना परिचय भी गुप्त रूप से उनको प्रस्तुत कर दिया है। एक साथ अर्थ को देखते हैं, श्लोक का वाचन कर एक साथ अर्थ को वापस देखते हैं। क्या कह रहे हैं महाराज दुष्यंत? कह पौर में वसुमती शाशती सासी तरी द्रुविति नाम अयम आचरम अत्य अविनयम मुग्धासु तपस्वी कन्यासु। कह पौर्वे वसुमतिं शाशति शाशतरि द्रुविति नितानम्। अयम आचरम अत्य अविनयम मुग्धासु तपस्वी कन्यासु। दुर्वृत्ति नाम शासतरी यानी दुष्ट जनों के शासक पूर्वे वसुमति पूर्व वंश में उत्पन्न वसुतिम शासति और राजा दुष्यंत के इस पृथ्वी पर शासन करने वाला होने पर यह कौन है? क अयम यह कौन है जो मुक्तासु यानी भोली भाली तपस्वी कन्या सुन तपस्वी कन्याओं पर अविनियम आचरण यानी शिष्ट आचरण कर रहा है यानी को परेशान कर रहा है। नमो नमः। आज हम द्वितीय वर्ष संस्कृत के प्रथम प्रश्न पत्र नाटक छंद एवं अलंकार के अंतर्गत माँ कवि कालिदास विरचित विज्ञान साक्षात्कार नाटक के प्रथम अंक के 22वें श्लोक का आज हम अध्ययन करेंगे। इस वाले श्लोक में अब महाराज दुष्यंत उनकी शकुंतला की सखियाओं प्रियबंधा और अनुसुईया के द्वारा इस वृतांत को जानकर कि शकुंतला मेनका अप्सरा की पुत्री है और महर्षि कर्ण उसके पालित पिता हैं, इस कथा को सुनकर राजा दुष्यंत शकुंतला के रूप की प्रशंसा कर क्या कहते हैं, उन्हीं भावों का उल्लेख माँ कवि कालिदास ने उक्त श्लोक में किया है। मैं श्लोक का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। अनुष्टुप छंद में निपद श्लोक है, अनुष्टुप छंद में 8 वर्ण होते हैं। एक बार अनुष्टुप के छंद के लक्षण को देखते हैं, तत्पश्चात हम श्लोक के वाचन को देखेंगे। श्लोक षष्ठम गुरु ऋग्वेदम श्रवत्र लघु पंचमं द्विचतुष्पादयोरिश्वं सप्तमं दीर्घमन्यो मानिशिशु कथं वासया अस्य रूपस्य संभवः प्रभातरलं ज्योति हृदेति वसुदातला। मानिशिशु कथं वासया अस्य रूपस्य संभवः न प्रभातरलं ज्योति हृदेति वसुदातला। श्लोकान्वय इस तरह से होगा, मानुष शिशु अश्य रूपस्य संभव कथम वासया प्रभात तरलम ज्योति ही वसुध तलात न उदेती। मानुष शिशु शब्द का तात्पर्य है मानव से संबंधित, यानी मानुष शिशु यानी मानव मनो अपत्यम स्त्री मानुषी यानी मानुष शिशु, मानुषी से तात्पर्य हो जाता है मनो अपत्यम स्त्री मानुषी, मनु के संतान के संदर्भ में है कि मनु की उत्पन्न जो सारी संतान है मनुष्य संबंधित मानी जाती है। तो मानव शिशु अश्य रूपस्य यानी मानव लोक की स्त्रियों में अश्य रूपस्य यानी ऐसे रूप की संभव कथम भाषा यानी ऐसे रूप की उत्पत्ति कैसे हो सकती है। प्रभात तरलम ज्योति वसु तलात न उदेती, उक्ति है कि प्रभातरम यानी कांति से दैवित्यमान, प्रभातरलम यानी प्रभातरलम ज्योति यानी कांति से दीपित्यमान जो प्रकाश है वो ज्योति है वसुध तलात न उदेती यानी पृथ्वी तल से कभी भी उत्पन्न नहीं हो सकती है। एक साथ आपको देखिए कि मानुषिशु अश्य रूपस्य संभवम कथम भाषा यानी मानुषिशु अश्य रूपस्य यानी मानव लोक की स्त्रियों में अश्य रूपस्य यानी ऐसे रूप की उत्पत्ति संभव कथम भाषा यानी कैसे उत्पन्न हो सकती है। प्रभात तरलम ज्योति यानी कांति से दीपित्यमान जो प्रकाश है जो ज्योति है वसु तलात न उदेती यानी पृथ्वी तल से उत्पन्न नहीं हो सकती है। यानी शकुंतला
मेनका अप्सरा की कन्या है। इस कथा को जानकर, इस वृतांत को जानकर महाराज दुष्यंत शकुंतला के संदर्भ में अपने भावों को अभिव्यक्त कर कहते हैं कि मानव लोक की जो स्त्रियाँ हैं उनमें ऐसे अद्वितीय सौंदर्य की उत्पत्ति कभी भी नहीं हो सकती, अर्थात मानव स्त्रियों में ऐसे अद्भुत सौंदर्य कभी भी उत्पन्न नहीं हो सकता है। शकुंतला जैसी सुंदर पति जो कन्या है निश्चित रूप से मानव स्त्री की संतति नहीं हो सकती, ये एक अप्सरा की पुत्री है। जिस प्रकार कांति से दीपित ज्योति से या कांति से दीप्त्यमान जो सूर्य चंद्र विद्युत आदि तेज की उत्पत्ति पृथ्वी से नहीं हो सकती है, वह ज्योति तो आकाश से ही उत्पन्न होती है। उसी प्रकार आकाश गमन करने वाली मेनका अप्सरा से शकुंतला जैसी सुंदरी उत्पन्न हो सकती है। मेनका में जो अनुपम सौंदर्य था, जो एक अप्सरा थी, तो शकुंतला को ही वही सौंदर्य अपनी माता से प्राप्त हुआ है। अतः आप सखियों का यह वृतांत उचित है कि अप्सरा शकुंतला की पुत्री है। इस तरह से महाराज दुष्यंत अपने भावों को इस श्लोक में अभिव्यक्त करते। अनुष्टुप छंद में यह विद्यमान श्लोक है। प्रतिवस्तु अलंकार का इसमें उपयोग किया गया। एक बार पुनः श्लोक के वाचन को देखकर इस अर्थ को देखते हैं। महाराज दुष्यंत क्या विचार करें, मान शिशु कथम वासयात् अश्रुपश्च संभवः प्रभातरण ज्योति रुदेति वसुधातलात्। मानव शिशु अश्य रूपस्य संभव कथम वासयात्, यानी मानव शिशु यानी मानव लोक की स्त्रियों में अश्य रूपस्य यानी ऐसे रूप की कथम वास यानी कैसे उत्पन्न हो सकता है। प्रभा तरलम ज्योति यानी कांति से दैवित्यमान, ज्योति से दैवित्यमान जो प्रकाश है वह वसु तला तल यानी वह पृथ्वी तल से उत्पन्न नहीं हो सकता। इसी प्रकार से जो शकुंतला है वह मानवीय स्त्री लोक की जो संतान है, मानवीय जो संतान है, मानव लोक की स्त्रियों में ऐसा अद्भुत सौंदर्य देखने को नहीं मिलता है, इसीलिए निश्चित रूप से शकुंतला अप्सरा है, मेनका की ही पुत्री है।